हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे डेंटल कैप या क्राउन की। जैसा कि बहुत लोग जानते हैं, डेंटल क्लिनिक में डेंटल क्राउन लगवाना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। जिन भी लोगों का दांत थोड़ा वीक हो जाता है या टूट जाता है या उसमें ठंडा पानी लगने लगता है, तो उस पर आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कैप लगवाने के लिए। अब ये कैप क्या होती है? कैप एक आर्टिफिशियल कवरिंग है जो कि हम पेशेंट के दांत पे लगाते हैं। ये बनी बनाई नहीं आती है। पेशेंट के मुंह में जिस दांत पे कैप लगनी होती है, उस दांत को हम थोड़ा छोटा करते हैं सब तरफ से और उसका नाप लेकर के फिर कैप बन के आती है। तो कैप तो ये कस्टमाइज्ड होती है क्योंकि सबके दांतों का साइज अलग होता है, कौन से दांत पे लगनी है, आगे के दांत पे या पीछे के दांत पे, तो उस हिसाब से कैप बनती है। तो हम लोग दांत को थोड़ा छोटा करते हैं। किस दांत को कितना छोटा करना है ये आपके डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं और फिर उसका नाप लेते हैं। अगर हम दांत को छोटा नहीं करेंगे और डायरेक्ट ऐसे ही नाप लेके कैप उस पे लगा देंगे ऊपर से, तो वो दांत ऊंचा हो जाएगा और जब आप खाना खाने के लिए मुंह बंद करेंगे तो सिर्फ वही कैप टकराएगी और बाकी दांत हवा में चले जाएंगे। इसलिए दांत को थोड़ा छोटा करना आवश्यक होता है। अब अगर बात करें कि कैप कितने प्रकार की होती हैं, तो ब्रॉडली कैप दो तरह की होती हैं, टेम्परेरी कैप और परमानेंट कैप। टेम्परेरी कैप, जैसा कि उसके नाम में ही है, वो टेम्परेरी है। तो वो हम जब दांत का नाप लेते हैं, उसको घिस के छोटा करते हैं, तो उस वक्त हम तुरंत टेम्प्रेरी कैप लगा देते हैं जो 2 से 4 दिन के लिए लगी रहती है। उसका काम यह है कि आपका वो दांत सुरक्षित रहे, उस पर आपको पानी ना लगे और खाना खाने में आपको कोई कष्ट ना हो। जब परमानेंट कैप बन के आ जाती है तो हम टेम्प्रेरी कैप निकाल के हटा देते हैं और उस पर परमानेंट कैप लगा देते हैं। अब परमानेंट कैप काफ़ी तरह की बनती हैं। ब्रॉडली परमानेंट कैप 3 तरह की होती है। सबसे पुराने टाइम की जो चली आ रही है उसको मेटल कैप बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जो कैप होती है वो मेटल सिरेमिक होती है, मतलब उसमें नीचे मेटल होता है, ऊपर सिरेमिक की लेयर होती है। और थर्ड जो सबसे लेटेस्ट कैप है उसको फुल सिरेमिक कैप बोलते हैं या मेटल फ्री कैप बोलते हैं। तो अब हम इन तीनों कैप को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेटल कैप के बारे में बात करेंगे। मेटल कैप, जैसा कि उसका नाम है, वो मेटल की होती है। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये शंका होती है कि ये लोहे की तो नहीं है, स्टील की तो नहीं है, हमारे मुंह में रस्टिंग तो नहीं होने लगेगी, हमें इससे नुकसान तो नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी डरने की बात नहीं है। वो मेटल कैप उसको बोलते हैं, लेकिन वो 8-10 मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिश्रण होता है जिसको कि हम लोग अलॉय बोलते हैं। तो वो अलॉय की कैप होती है जो कि मुंह में लगाई जाती है। ये बहुत ड्यूरेबल होती है क्योंकि पूरा मेटल और नॉन मेटल है, तो इसमें कुछ टूटने या चटकने की कोई टेंशन नहीं होती है। क्योंकि ये बहुत पतला होता है इसलिए दांत को भी बहुत कम घिसना पड़ता है या छोटा करना पड़ता है। बट इसके कुछ नुकसान हैं, जैसे कि क्योंकि ये मेटल है तो देखने में ये स्टील जैसी दिखाई देती है, चम्मच जैसी, तो इसको आप सामने के दांतों में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ पीछे दाढ़ों में यूज़ हो सकती है जहाँ पर वो दिखाई नहीं देती है। कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि मेटल कैप लगने के बाद उनको मेटालिक टेस्ट आ रहा है, कि जैसे चम्मच मुंह में रखी हो। तो ये एक कॉमन कंप्लेन होती है मेटल कैप की। बाकी मेटल कैप बहुत ड्यूरेबल होती है, कई सालों तक चलती है। अब इसके बाद जो सेकेंड नंबर की कैप डेवलप हुई उसको मेटल सिरेमिक कैप बोलते हैं। तो मेटल कैप में जो प्रॉब्लम्स थी या कमियां थी उसको ओवरकम करने के लिए मेटल सिरेमिक कैप का डिज़ाइन हुआ। इसमें नीचे मेटल होता है और उसके ऊपर सिरेमिक की लेयर चढ़ाई जाती है। तो सिरेमिक एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो कि अलग अलग शेड्स में आता है। तो उसकी एक पूरी शेड गाइड आती है, आपके डेंटिस्ट आपके मौजूदा दांतों से शेड मैच करा करके आपकी मेटल सिरेमिक कैप लगाते हैं। तो ये किसी भी दांत पे लगाई जा सकती है, सामने के दांतों पे भी लगाई जा सकती है, चाहे आपके दांत सफ़ेद हों या पीले हों, उनका शेड मैच करा के एग्जैक्ट मैचिंग से बनती है। तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और डबल लेयर्ड होती है तो मजबूती ज़्यादा होती है, नीचे मेटल है तो कुछ टूटने का टेंशन नहीं है और ऊपर सिरेमिक है। अब इसके बाद और जो लेटेस्ट कैप डेवलप हुई थर्ड टाइप की, उसको फुल सिरेमिक कैप बोलते हैं या मेटल फ्री कैप बोलते हैं। उसमें मेटल भी नहीं होता है, उसकी पूरी थिकनेस जो है वो सिरेमिक की होती है। तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि मेटल ना होने की वजह से वो और लाइट वेट हो गई, क्योंकि सिरेमिक हल्का होता है, लाइट वेट हो गई। उसमें शेड मैचिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि मेटल सिरेमिक कैप में थोड़ा सा मेटल का ह्यू या उसकी शेडो आती है, तो उससे हल्का सा शेड का डिफरेंस आता है जो कि बहुत माइनर होता है। बट फुल सिरेमिक कैप में क्योंकि वो पूरी सिरेमिक है तो बहुत अच्छी शेड मैचिंग होती है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। और अगर आप कहीं अच्छी लैब से बनवाते हैं, ब्रांडेड लैब से आप अगर कैप लगवाते हैं, तो कुछ लैब्स उस पर
रिप्लेसमेंट वारंटी भी देते हैं, मतलब अगर उसमें कोई टूट फूट होती है या चटकती है या निकलती है तो वो लैब से रिपेयर या रिप्लेस करी जाती है। तो बेस्ट कैप अगर मार्केट में पूछें कौन सी है तो उसको फुल सिरेमिक कैप बोलते हैं या मेटल फ्री कैप बोलते हैं। इसका एक बड़ा फ़ायदा और है कि अगर आपको कभी आगे MRI या किसी भी तरह का कोई स्कैन या रेडियोग्राफ कराना पड़ता है तो आपके उस रेडियोग्राफ से वो मेटल फ्री कैप जो है इंटरेक्ट नहीं करती है। जब आप कोई MRI या CT स्कैन कराने जाते हैं तो कई जगह आपसे पूछा जाता है कि आपके मुंह में कोई कैप या इम्प्लांट तो नहीं लगा है, क्योंकि कोई कोई मशीन जो है उस मेटल होने की वजह से उसकी रीडिंग्स में प्रॉब्लम आती है। तो फुल सिरेमिक कैप का ये फ़ायदा है कि आपको कभी भी कोई स्कैन कराना हो, रेडियोग्राफ कराना हो, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बहुत से पेशेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि डॉक्टर साहब हम दांत में कैप लगवाना चाहते हैं बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कैप लगवाएं और कौन सी कैप कितने साल चलेगी। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि कौन सी कैप कितने साल चलेगी। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो जब आप अपने दांत पे कैप लगवा रहे हैं तो उस दांत की क्या कंडीशन है, मतलब वो थोड़ा ख़राब है, काफ़ी ख़राब है, हिल रहा है। तो अगर नीचे का दांत जिस पे की कैप लगाई जा रही है वो मज़बूत है और सिर्फ ऊपर से थोड़ा टूटा है या थोड़ा छोटा हो गया है घिस के, बट उसकी रूट्स मज़बूत हैं, तो वो कैप काफ़ी समय तक चलती है। अगर नीचे का सपोर्ट ही जो है वो डैमेज्ड है, डिके हो गया है, तो वो कैप ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। दूसरा, हमारी ईटिंग हैबिट्स। हमने कैप लगवा ली है, अब हम उससे क्या खा रहे हैं? हम नॉर्मल खाना खाते हैं या बहुत हार्ड खाना खाते हैं या स्टिकी फूड ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो आप उससे खा क्या रहे हैं? अब कुछ लोग उससे कैप लगवाने के बाद मसाला खाने लगते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं, तो ये कैप तंबाकू खाने के लिए नहीं बनी है, ये नॉर्मल खाना खाने के लिए बनी है। अगर आप अपना नॉर्मल डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो कैप सालों साल चलती है। तीसरा पॉइंट है कि जब कैप लगी तब दांत हिल रहा था कि मज़बूत था? अगर हिलता हुआ दांत है जिस पे कैप लगाई जा रही है उसको सपोर्ट देने के लिए, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ मज़बूत दांत से थोड़ी कम होगी, क्योंकि मज़बूत दांत रहेगा तो उस पर जो ब्रिजिंग होगी वो मज़बूत होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कौन डॉक्टर उस पे कैप लगा रहा है, मतलब डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ क्या है। डॉक्टर बहुत तरह के होते हैं, उनका काम अलग अलग तरह का होता है, उनकी एक्सपर्टीज़ अलग तरह की होती है। तो आप जितने काबिल और जितने होशियार डॉक्टर से काम करवाएंगे आपका काम उतना अच्छा होगा। और अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जिसको ज़्यादा अच्छा काम नहीं आता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको, तो उनका काम ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि उनको उतना एक्सपोजर नहीं है काम का। एक पॉइंट कैप में ये भी आता है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है। जैसे हमने बोला कि मेटल सिरेमिक कैप होती है, तो मेटल सिरेमिक तो कैप है लेकिन सिरेमिक किस क्वालिटी का लग रहा है, मतलब लोकल सिरेमिक लग रहा है कि ब्रांडेड सिरेमिक लग रहा है। तो ऑब्वियसली अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होगा, किसी अच्छी डेंटल लैब से वो बन के आएगी, उसका मेजरमेंट अच्छा हुआ होगा, तो काफ़ी साल चलेगी कैप। अब जैसे पहले डेंटिस्ट कैप बनाने के लिए मेजरमेंट लेते थे आपके मुंह में ट्रे लगा करके, अब उसका भी लेटेस्ट टेक्निक आ गई है, अब इंट्राओरल स्कैनर आ गया है। मतलब वो एक स्कैनर है, वो इस तरह का एक डिवाइस है जो पेशेंट के मुंह में हम लोग अंदर डाल देते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर पे चलता है जो कि आपके लैपटॉप से कनेक्टेड होता है, और वो आपके मुंह के अंदर दांतों को और मसूड़ों को स्कैन करके आपकी स्क्रीन पे ला देता है। तो उससे जो मेजरमेंट होता है वो एकदम मिलीमीटर्स में परफेक्ट होता है, और उससे जो कैप की फिटिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। उसमें ये भी दिखा दिया जाता है स्कैनर में कि कैप कैसे बन के आएगी, हमने जो दांत को मेजर किया है, छोटा किया है घिस के ताकि कैप लगे, वो एप्रोप्रिएट है स्पेस की या उसमें स्पेस की कमी है। अगर हम दांत को छोटा करने में थोड़ी कमी रखते हैं, स्पेस कम मिलती है, तो कैप मोटी बनेगी और ऊपर के दांत से टकराएगी। अगर कैप टकरा रही है तो हमको उसको कैप को या अपोजिट दांत को घिसना पड़ेगा, जिससे दोनों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लाइफ ऑफ कैप में ये है कि पेशेंट के जो बाकी दांत हैं उनकी क्या कंडीशन है। अब अगर कोई ऐसा केस है जिसमें पेशेंट एक तरफ कैप लगवा रहा है, बाकी उसके सारे दांत एकदम ठीक हैं, हेल्दी हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बैलेंस बना रहेगा और कैप कई साल चलेगी। लेकिन अगर पेशेंट के बहुत सारे मिसिंग दांत हैं या हिलते हुए दांत हैं और वो सिर्फ एक ही तरफ का ट्रीटमेंट करवा रहा है, दूसरी तरफ का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, तो सारा लोड उसी कैप पे आ जाएगा। जब लोड उस पर ज़्यादा आएगा तो उसकी लाइफ अपने आप कम हो जाएगी। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं
तो हमारे दांत की कैप जो है लंबे समय तक चलती है और हमें उसमें कोई परेशानी नहीं आती है।